नमस्कार, स्वागत है आपका एस टुडे चैनल की स्पेशल रिपोर्ट में। तो मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, या किसी भी व्यक्ति के साथ या कोई तीन चार लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच बस यही बातें हो रही हैं जो कि चुनावी मुद्दों को लेकर। देखिए, आज का समय तो ऐसा है कि जो भी लोग हैं वो ऐसे ही नेता को चुनेंगे जो कि उनके लिए विकास के कार्य करवाए, उनके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको उनके तक पहुंचाए। तो आज हम उन चुनावी मुद्दों को लेकर आए हैं वार्ड नंबर हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 में, जहां से जो कि बीजेपी के समर्थित पार्षद हैं मनोज मन्हास, जो फिर से हैं चुनावों में उतरे हैं। एक बार पहले भी ये पार्षद के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने वार्ड में विकास के बहुत से कार्य करवाए हैं। तो आपको रूबरू करवाते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। तो पहले तो स्वागत है आपका सर एस टुडे चैनल में। सबसे पहले तो मैं नगर वासियों और वार्ड वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं वार्ड नंबर 7 से मनोज कुमार मन्हास चुनाव लड़ रहा हूं भाजपा समस्ती पार्षद के रूप में। मैं मनोनीत पार्षद भी रहा इस वार्ड में और काफ़ी काम भी करवाए, और बाकी जो विकास के कार्य रुके पड़े वो भी मैं आगे करवाऊँगा और करवाता रहूँगा अगर लोग मेरा साथ देते हैं। और जैसे कि सीवरेज की समस्या काफ़ी है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, रास्ते टूटे पड़े हुए हैं। पिछले 10 साल से लगातार यही समस्या चलती आ रही है। मैंने भी देखा 2.5 साल में, लेकिन कुछ जगह तो मैंने टाइलें भी डलवाई और सीवरेज के लिए भी मतलब काफ़ी काम किया, चैम्बर खुलवाए, IPI डिपार्टमेंट से मिले हम, उधर से भी पैसा सेंक्शन हुआ है 8.40 करोड़ रुपया सीवरेज लाइन के लिए वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 लेफ्ट आउट एरिया जो है। बाकी आगे देखो काम हो। तो सर आप हमें बताइए कि आप लोगों के बीच जाकर जो प्रचार कर रहे हैं तो लोगों का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोग साथ हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये काम करवाने वाला प्रत्याशी है और अच्छा मेरे को सहयोग मिल रहा है बाढ़ में। तो आपने देख ही लिया जो वार्ड नंबर 7 से मनोज मन्हास जी हैं जो इस बार फिर से चुनावों में उतरे हैं। उन्होंने फिर से बताया कि लोगों के लिए जो विकास के कार्य उन्होंने पहले भी बहुत से करवाए हैं और इस बार भी वो विकास के कार्य करवाएंगे। और उन्होंने एक बात कही कि जो सड़कें काफ़ी, उन्होंने देखा कि काफ़ी 10 या 12 सालों से जो हैं टूटी हुई हैं, उनके लिए भी बहुत से काम करवाए जाएंगे। जो सड़कें कहीं से भी टूटी हुई हैं, कहीं भी गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको फिर से दुरुस्त करवाया जाएगा। तो ये थी एस टुडे चैनल की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा।